चंगी साड़ी पहने तो ससुरे वालों को बड़ी बहु प्यारी, सासु कहे बहु प्यारी प्यारी, सासु कहे बहु प्यारी प्यारी, ए ससुर का है बड़ी न्यारी, जब चूड़ा चकते ससुर कल नेट की साड़ी चली है, पहले कैसी साड़ी चलती थी, बहू को मुंह नहीं दिखाते कतई, क्यों बुढ़ी वाली अम्मा सही कह रहे हैं, पहले बहुन को मुंह नहीं दिखाता तो बिचारी तो ऐसे घूंघट करके चलती है, ती आगे नेक आगे के रखता और इतो बड़ो घूंघट, अब तो परीक्षित जी ऐसो घूंघट हेन रखे दो जात, पहले जब बिटिया की बा नहीं का जयमाला पड़ी जाती तो हेन घूंघट रखे दो जात। और ये राम सिंह भैया भाई पलसुआ से 51 रुपए मुझे स्पेशल इनाम दे रहे हैं, कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी आजकल जयमालो पत्ते है तो पहले ही बहू बैठा दे जाते हैं ऊंचे पे, ससुर नीचे बैठे कुर्सी पे और बहू मर चार हाथ ऊंचे बैठी, आ का जाओ आशीर्वाद दया हो जाए। अब ऐसे ससुर हाथ धरे बहू के मुंह पे और फोटो खिंचाए रहे, आजकल की ये रिवाज चली है फैशन। अब जब बहू घर में आई तो सासू मैया कहती है निक मुंह झाप लियो करो, बहू कहती है अब का मुंह झाप लियो, जब सबने देख लो अब मुंह झापे का फायदा है, तो वे सूट पहन के टहलने लगी, कहती पापा जी ससुर का था बिटिया बढ़िया, हाँ हाँ हाँ। अब तो समझे में ना आ रही कौन सी बहू है कौन सी बिटिया है, समझ में आ रहा है नहीं, कहो तो ससुर आए गए और अपना कुर्सी पे बैठी चौधरी बनी, ससुर बेचारे जमीन में बैठी गई, कत भैया दूसरों का तिकाय जो गाँव की रिवाज, कत भैया ये तुम्हें नहीं पता है जमाना पढ़ लिख गया है, सब ये पढ़ाई लिखाई है, अब कोई कुछ नहीं मानता है, पढ़ लिख गए तो कब हो रहा है जय कहते हैं क्यों। लेकिन सीता मैया सोच रही है जयमाला तो पड़ जाएगी लेकिन हमें बड़ी शर्म लग रही है, ऐसे हाथ करें फिर ऐसे जयमालो डले, और आजकल जयमाला पर हो जाए तो लड़की नहीं देखो जयमालो उलिक डालती है, फिर वो दूल्हा होते वो ऐसे कर दे, देखा है तुमने आजकल बहुत चलता है, पहले ही समझाए देते हैं संग सहेली जो ए दोस्त दोस्त वे का देख भैया तेरी जयमालो परी जाए पहले ही न डरा लिए ऐसे करके हट जाइए, कहते हाँ भैया और जैसे ही जयमालो पत्ते लड़की नीने जयमाला रही है ऐसे कर लेते हैं, कहते अब ना ही परी कहते ना ही पर भाई जयमालो दूसरे का अरे लड़कियां कहती डर ना दे काय को देख रही है डर जय मारो, तो फिर बिचारी ले जय मारो अब कीते फेंक दे पर है तो परिया ना मरो जाए,
लेकिन सीता मैया बोली है, सीता मैया खड़ी है, तो सीता की लड़की सहेलियां समझ गई हैं सीता क्यों खड़ी है। तो सीता की सहेली बोली है किससे? राम से, कि झोंकी जइयो लला रघुवीर ए जलली मेरी बारी है, झोंकी जइयो तन कर कुबीर मेरी बारी है, झोंकी जइयो तन कर कुबीर बिटिया मेरी छोटी है, झोंकी जइयो तन कर कुबीर। लड़किया बोली भगवान राम से, प्रभु थोड़ा झुकी जाओ। क्यों? अरे देख नहीं रहे हो हमारी इतनी छोटी बिटिया है, थोड़ो झुक जाओ, अरे झुक जाओ। और बोली अरे लेन देन को कठिनाई हमसे, हमें खाली हाथ, लेन देन को कठिनाई है हमें खाली हाथ। आज हमारी जा बिटिया की लाज तुम्हारे हाथ, झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी है, झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी है, झुकी जइयो तन कर कुबीर बिटिया मेरी छोटी है, झुकी जइयो तन कर कुबीर। लड़कियां बोली राम से, प्रभु थोड़ा झुक जाओ, देख नहीं रहे हो मेरी बिटिया छोटी है, तुम बहुत बड़े हो, थोड़ा झुक जाओ। राम बोले बात तो ठीक कह रही है लड़कियां। तो राम झुकने के लिए हुए, बीच में लक्ष्मण कूद परे, बोले भैया अरे झुक मत जाना, सीधे खड़े रहो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? राम बोले पागल हो गए क्या, हमें काहे की शर्म लगे? बोले भैया पहली बात तो जाए तुम ससुराल में खड़े हो, और दूसरी बात जाए जे सब तुम्हारी साड़ी खड़ी है, और तीसरी बात जाए जे भाभी खड़ी है, अगर एक बार भाभी के आगे झुक गए तो पूरी जिंदगी झुके ही रहे हो, तो सीधे खड़े रहो। राम सोचल के बात तो लक्ष्मण सही कह रहा है। फिर राम सीधे खड़े हो गए। एक लड़की बोली काय लक्ष्मण, जयमाला तो पन्न जाहिरी थी, लेकिन तुमने क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा दी है? जयमालो परियान देते, बादे में बोल लेते जो इच्छा होती। लक्ष्मण बोले सो क्यों, अरे पहले मुझसे बात करो फिर जयमाला पड़ेगी। लड़कियां बोली तुमसे क्या बात करें? बोले जब तक हम चाहे तभी जयमालो पड़े, तो बोले जयमालो ना पड़ी जाए चाहे पूरी जिंदगी यही खड़ी रहो। सीता मैया बड़ी गुस्सा आ रही सीता। अब लड़कियां बोली अच्छा तुम ही जयमालो डलाए दो। लक्ष्मण बोले जाओ ही ना बात, हम जयमाला डलाएंगे। अब लक्ष्मण परीक्षित जी सीता मैया के चक्कर काट रहे हैं आसे पासे, और कान में कह रहे मैया। सीता सोचन लगी अरे भगवान मैं ब्याह बोलना पहले ही तो बड़ो है गो का तो मैया है, हमारे बराबर को है और हमसे कह रहे मैया। सीता मैया बड़ी गुस्सा में है। लक्ष्मण कह रहे मैया तुम मुझसे एक बार कह दो कि मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया तो जयमाला डलाएंगे, अगर तुम अपना बेटा नहीं मानोगी तो चाहे पूरी जिंदगी जही खड़ी रहो, जयमाला नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी। सीता सोचने लगी यार लक्ष्मण बड़ी जिद कर रहे हैं, अब क्या करें, हम कैसे इनसे बेटा कहें, जितने बड़े हम उतने ही बड़े लक्ष्मण, हम कैसे इनसे कह दें बेटा। सीता मैया बोली जाओ लक्ष्मण मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया है, जयमाला डलाओ अब देर मत करो। अब लक्ष्मण कहने लगे अरे भगवान हमारे भैया ने तो बड़ो काम कर दो, हमने पाइयो नहीं छुए। लक्ष्मण दौड़ करके आया और छड़ों पे भार से गिर पड़े, उठे ही नहीं लक्ष्मण, एक मिनट हो गो दो मिनट। राम बोले ऐसो तो नहीं जा चक्कर आएगो हो तसे गिर पर हो। राम उठाउन लगे और सीता ने चांस पा करके जयमाला डाल दिया। बोली सिया रामचंद्र की अब जब जयमाला पड़ा है, लड़कियां गाने लगी कि बाहर हो फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए, मेरे भगवान आए बहारो फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए, मेरे भगवान आए। जब जयमाला पढ़ाए तुम
गाना गा रही है। बहारू फूल बरसाओ मेरे श्री राम आई मेरे भगवान आई। बहारू फूल बरसाओ मेरे भगवान आए मेरे भगवान आए। अब बरसी उतर की चली पे देखो बन किरण आई कि बन की किरण आई है। बहारों फूल बरसाऊ मेरे श्री राम आई मेरे भगवान आए। इस तरह से सभी लोग गीत गा रहे हैं, बड़े खुश हैं और बोली हैं लड़कियां कि राम ने धनवा तोड़ा जानकी तेरे लिए। 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 राम ने धनवा तोड़ा जानकी तेरे लिए।